कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते सोमवार को कर्नाटक में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व सांसद राहुल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़कर आए जगदीश सेट्टार को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको पता है जगदीश सेट्टार को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन नहीं खाया। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो बीजेपी टिकट नहीं देती। बीजेपी को ये 40 नंबर बहुत पसंद है और कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीट ही देगी। उन्होंने कहा कि जब जगदीश सेट्टार बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतने वरिष्ठ नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया। क्या कारण है कि सेट्टार को बीजेपी से निकाल दिया? उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कोई टेप नहीं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जगदीश सेट्टार ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला, मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया इसलिए ये बीजेपी में नहीं रह सकते। बीजेपी को 40 नंबर बहुत पसंद है, इस बार 40 सीटें ही इनको मिलने वाली हैं। बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया, क्या कारण है कि इनको बीजेपी से निकाल दिया? उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला, मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, 40% नहीं खाया बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकते। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। वहीं जब सीएम चेहरे को लेकर जगदीश सेट्टार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर छोड़ दिया गया है। मैंने कांग्रेस के लोगों से केवल यह कहा है कि बीजेपी में मुझे सम्मान नहीं दिया गया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। मुझे कोई पावर या कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सम्मान चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश सेट्टार को पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल टिकट दिया। कांग्रेस में आने से पहले सेट्टार को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, जिसके बाद नाराज सेट्टार को बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों ने मनाने की कोशिश की। बीजेपी ने उन्हें दिल्ली में बड़ा पद देने की भी पेशकश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।